हे गाइस, आपका एक बार फिर स्वागत है इन्फोशुपना यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि गूगल पे आप गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना या किसी एजुकेशन पर्पस से वो उनकी डिटेल्स लेना है, या फिर कोई इवेंट के इवेंट आप कर रहे हो उसके जितने कस्टमर आने वाले उनके आप कॉन्टैक्ट आईडी कलेक्ट करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ आप कैसे कर सकते हो, ये वीडियो इस बारे में होने वाला है। और अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं गाइस अपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, आज बात होगी कि हम गूगल पे गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करें, कैसे एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सटीक स्टेप बताऊंगा मैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको गाइस अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, या तो ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं प्लस लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। गाइस, आपको अपने गूगल अकाउंट पे आ जाना है, यहाँ पे गूगल टाइप कर देनी है, ठीक है। गाइस गूगल ओपन हो गया है। और गाइस आपको क्या करना है, यहां पे गूगल एप्स पे क्लिक करना है। और आपको गाइस थोड़ा सा नीचे चले आना है, यहां पे आपको फॉर्म्स पे क्रिएट कर लेना है। अब गाइस क्या होता है, यहां पे आपको एक तो ब्लैंक पे क्लिक करके आप चीजें कर सकते हो, और दूसरा आपके पास टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं कई सारे, तो आप वो टेम्पलेट चूज करके इजिली चीजें कर सकते हो। आप देख सकते हो काफी हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइन टाइम, आरएसवी, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट, इवेंट है, रजिस्ट्रेशन के लिए, आप दैट वर्क के लिए है, ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ, वर्क रिक्वेस्ट, प्लस एजुकेशन में भी है ना। तो आप ये डायरेक्टली ये चीजें क्लिक करके उस तरीके की चीजें आप बना लो, या फिर आप ब्लैंक पे क्लिक करके बना लो। तो डायरेक्ट वैसे बेसिकली लोगों को जरूरत होती है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की, इस वजह से फॉर्म क्रिएट होता है। तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूंगा, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये गाइस आपका ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करिए और देखिए, आप यहाँ पे आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो अगर आप दूसरा नाम चेंज करना चाहते हो। और यहाँ पे ये मैंडेटरी अगर आपको नहीं करना है तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। अगर मैंडेटरी ये चीज आपको जरूरत, ये चीज चाहिए ही, इसके बगैर फॉर्म सबमिट ना हो, तो आपको इस पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करके, रिक्वायर्ड पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेनी है ना। यहाँ पे आप नाम से अगर आपको कुछ दूसरा चाहिए तो मैं यहाँ पे आप दूसरा कुछ कर सकते हो। सपोज मैं आपको एक यहाँ पे क्रिएट करके भी बताऊं, तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा, ओके। और यहाँ पे मैं, ठीक है, सरनेम पे क्लिक कर दो, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं बेसिकली लास्ट नेम कर देता हूँ ना, लास्ट नेम थोड़ा अच्छा सा दिखता है। अब यहाँ पे आप को अगर मल्टीपल चॉइस, अब आप चाहते हो कि आपको आंसर शॉर्ट में मिले या पैराग्राफ में मिले, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे आप शॉर्ट में उसका जो भी नाम होगा वो। अगर यहाँ पे कोई चीज है जैसे डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे डालते हो तो आप पैराग्राफ चूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफी बड़ी चीजें लिख सकते हो आप, और ये बेसिकली ये है तो मैं शॉर्ट पे ही क्लिक करूंगा। और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस की अगर जरूरत है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ऑप्शंस ये यहाँ पे डाल सकते हो, फिर ऑप्शन यहाँ पे ऐड करके वो ऑप्शन डाल सकते हो, और सारी चीजें वो आप कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज आपको यहाँ से मिल जाती है। और इसको अगर आपको ऑफ करना है तो वापस से शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर दीजिए, चला जाएगा। और भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ इमेज डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे फाइल अपलोड करके वो चीजें कर सकते हो, है ना। इमेज यहाँ पे शो होने लगेगी, डेट टाइम आप दिखाना चाहते हो तो वो हो जाएगी। बहरहाल ये आपको मिल गया आपका फर्स्ट नेम, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए फर्स्ट नेम क्रिएट हो गया। सेकेंड लास्ट नेम भी मैं मैंडेटरी कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे स्टार आ रहा होगा, तो अब यहाँ पे भी गाइस देखिए स्टार आ जाएगा। ईमेल पे क्लिक है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स ईमेल, यहाँ पे आपको ईमेल आईडिया मिल जाएगी, एड्रेस उनका मिल जाएगा, फोन नंबर को भी मैंडेटरी कर देते हैं हम, ओके ठीक है, ये जरूरत की चीज है। यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं,
डिस्क्रिप्शन, और ये देखिए पैराग्राफ में सेलेक्टेड ऑलरेडी है जैसा कि मैंने बताया था, तो ये हो गया। और इसको भी मैंडेटरी कर देते हैं भाई कि ये चीज है। तो एक सिंपल सा आपका फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपने आपको जो ये अभी मैं आपको बता दूं, एक बार प्रीव्यू देख ले आपका फॉर्म ये दिखेगा कैसे। ये देखिए इतनी चीजें रिक्वायर्ड इस तरीके से आएंगे, उनको फर्स्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, लास्ट नेम डालना है आपको, ईमेल आईडी यहाँ पे डालने आ रही है, एड्रेस डालना आ रहा है, फोन नंबर डालना है, डिस्क्रिप्शन डाला, आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया और सेव हो जाएगा। आपको गाइस क्या करना है, वापस इधर आना है, रिस्पॉन्स में आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी, वो फॉर्म सारी देखने को मिल जाएगी कि किन लोगों ने बेसिकली देखा हुआ है, ठीक है। और भी अगर आप चाहते हो कलेक्ट ईमेल तो वो आप यहां से क्लिक करके कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी को ये चीजें भेज सकते हो, ये फॉर्म यहाँ से ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बोल के इंक्लूडिंग फ्रॉम ईमेल सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे गाइज आपको ये मिल गया फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म का लिंक है, सपोज जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे प्रीव्यू पे, तो आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अब फॉर्म का लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको देखिए पेस्ट कर रहा हूँ, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन खुल गया। मैं सपोज डाल देता हूँ अपना नाम, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम डाल देता हूँ, मैंडेटरी आई है। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एड्रेस बहरहाल अभी कोई भी भर देता हूँ, MUM मुंबई, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर डालना जरूरी है तो वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालना जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो ये देखिए आप सबमिट क्लिक कर ही नहीं पाएंगे, आपको करने करना है, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। एक रैंडम सा मैं नंबर डाल दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको क्या लिखना है, हाँ ये वो फलाना ढिलका, ठीक है। ये चीजें लिख दी आपने, अब सिंपली आप सेंड पे क्लिक कर देंगे, अब आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिशन हो चुका है। और अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्स, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा होगा, वो भी रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे आपको समरी आ गई कि कितने लोगों ने भेजा है, आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म ही पूरा आ गया, ठीक है, लोगों ने भेजा। अगर इस फॉर्म को आप डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो इसको। किस बंदों ने क्वेरी की है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आप कॉल कर लो, यहाँ से सिंपली सेव करोगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये इस तरीके की प्रोसेस थी, बहुत ही सिंपल और सटीक था, और ऑलरेडी कई सारी चीजें दी हुई होती है टेम्पलेट, तो उसका यूज करके आप बहुत इजी वे में गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, अगर आप इसको अगर वैल्यू सच में मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मैं पहुंचाता रहूंगा। ओके गाइस, तब तक के लिए गाइस थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।